कहाँ ले आया यार आप? ये दूध प्लस दाना है आपको दिखाने के लिए। एक बात बताओ भैया, हम तो यूट्यूब वीडियो बनाते हैं खाली, आप हमको दूध प्लस दाना ये सब कहाँ लाके खड़ा कर दिया आप हमको? अरे भाई आप, ये तो आप धंधा है दूध का। अच्छा, पिला चोकर का। हाँ हाँ, इसके बगैर दूध नहीं निकलेगा। तो इसमें ऐसा क्या है जो आप हमको इसके बारे में बता रहे हो? इसमें इसलिए बता रहे हैं कि इसमें बगैर इसे खिलाए हाँ दूध नहीं दो पाएंगे आप। अच्छा, नहीं पाएगा। तो कितना ले जाते हैं आपके यहाँ से दुकान में? अरे यहाँ तो 100-200 बोरी उठ जाती है। अच्छा, तो ज्ञानधारा दूध प्लस। ज्ञानधारा दूध प्लस, हाँ। क्या बात है, गोल्ड। तो आपने कितनी भैंसे पाल रखी हैं? अरे हमारे पास 5-6 भैंसे हैं। 5-6 भैंसे, हाँ। तो इतना सारा माल यहाँ पर तो पड़ा हुआ है। ये है हजार सिवाना, हाँ। ये तो 12-13 लगभग। अच्छा, तो एक तरह से दूध बढ़ाने वाली ये जो है, हाँ, बहुत बढ़िया। यहाँ क्या है? ये ज्ञानधारा है। हाँ, ज्ञानधारा गोल्ड। ज्ञानधारा गोल्ड, हाँ। अच्छा, ये दूध बहुत सक्रिय है। हाँ, अच्छे मच्छे इसका जो है मार्जिन बहुत बढ़िया। अभी नई एजेंसी है और इसका बहुत पोजीशन बढ़िया। ये वाला बोरी जो है खिलाने से कितना भैंस दूध देगी? ये लगभग जो 8 लीटर देती होगी वो 10 देगी। अच्छा, तो बड़ा फर्क पड़ जाता है। हाँ, अच्छी मच्छी है। तो भैंसों का बिजनेस तो बड़ा बढ़िया चलेगा। हाँ। फिर तो ये क्या है? नवरत्ना कपिला आ जाए। नवरत्ना नंबर 1 का है ये। अच्छा, ये भी सही है। तो भैया आज यहाँ पर आए हुए तो भैया ने पूरा का पूरा जितना गाय का चोकर वोकर है सब दिखा दिया हमको। अब भैया चाह रहे हैं कि हम भैंस पाल लें, तो मेरे पास इतनी क्षमता तो है नहीं, बट हाँ जिन्होंने भैंस पाल रखी वो लोग यहाँ सर आए और इसको खिलाने के लिए अगर चाह रहे हो कि आपकी भैंस अच्छे से अच्छा दूध दे, आपको बिजनेस में प्रॉफिट हो, तो आप यहाँ पर आओ। ज्ञानधारा प्लस और ज्ञानधारा गोल्ड, गोल्ड दो हैं यहाँ पर वैरायटी दोनों ही, और एक नवरत्ना भी है भैया बता रहे हैं। बाकी यहाँ पर आकर आप बहुत सारी जानकारियाँ ले सकते हो क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर है एक तरह से। आप अगर अपनी दुकान खोलना चाहते हो तो यहाँ पर आकर बिजनेस के लिए भी बात कर सकते हो और एक छोटे से अमाउंट के साथ अपने बिजनेस को खड़ा कर सकते हो। दिए गए नंबर पर संपर्क करें, पता नीचे लिखा हुआ। तो भैया आज एक बाबा जी पकड़ में आ गए हमको, तो आज बाबा जी से देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पर। नहीं भजन अच्छे अच्छे भजन सुनाएंगे। हाँ, ये बात हमारी पहले का है, वो बहुत विद्वान आदमी है, ऐसी बात ऐसी ना। तो भैया पकड़ लिया बाबा जी, यहाँ से सरक रहे थे बाबा जी, सरक रहे थे, हमने सरकन ना ही तो। जो मोए सुख मिला राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मेरो मन लागो यारे फकीरी में, मेरो मन लागो यारे फकीरी में। जो मोए सुख मिली गौ राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में, मेरो मन लागो यारे फकीरी। हाथ में बगल में झोली, हाथ में सोटा, करे हैं गुजरे शबूरी में, मेरो मन लागो यार शबूरी में, मेरो मन लागो यार फकीरी में। भला बुरा सब कोई सुन लीजे, भली बुरी सब की सुन लीजे, करिए सबर सबूरी में, मेरो मन लागो यार फकीरी, मेरो मन लागो यार फकीरी में। और राम भजन कृष्णा को कहिए, राम भजन रामा को कहिए, और क्या, अरे करे है सबर, अरे साहब मिला सबूरी में, मेरो मन लागो यार फकीरी में। जो सुख नाही जो सुख मोहे मिली गौ राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मेरो मन लागो यार फकीरी में। तो भैया आज तो बहुत बढ़िया लगा गाना ना सुन के। ये भैया आज ले आए हमको, बोले गाना सुनाते चले तुम्हारा मूड सही हो जाए। हमने कहाँ से मूड सही होगा, पहले तो लाके पूरा चार इतना चारा हम घुसेर दिए, बोले आज तुम भैंसिया के चारा दिखाते हैं। गावे बेशरम, और क्या बोला था आपने? हाँ, नचे बेशरम गावे घी। हाँ हाँ, ये सबके बस की बात नहीं है। बात तो आपने आप सही कही, ये सबके बस की बात नहीं है। संत बनना या बाबागिरी करना या गायकी करना या किसी के आगे शब्द बोलना, और
ये इनका चेला है, हर शब्द ऐसा गुरुदेव हाँ। चेला वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खो और उनको शीतल करे आपको शीतल हो, ऐसा बोलना चाहिए जो समाज आपको शराब हो, क्योंकि परमात्मा की कृपा अगर ना भाई तो फिर समाज ले बाबा की साइकिल तोड़ लेगा कब अभी हाँ। ये देखो कहाँ ले जा रहा है। तो भाई हम आ गए यहाँ पर करवा चौथ के लिए सीके तोड़ने, अब मुझे पता नहीं था तो इसको लेकर आया हूँ छोटू को, क्या नाम है तुम्हारा? गोलू। गोलू को लेकर आया हूँ मैं, ये सीके तोड़ के भाई साहब दे रहे थे एक दो को, तो हमने कहा लाओ इनको पकड़ते हैं। सो करवा चौथ के लिए सीके ले जानी है, तो कल करवा चौथ है तो सभी लोगों को हैप्पी करवा चौथ एडवांस में, तो यहाँ सब लोग ले जाते होंगे छोटू? अच्छा मेरे गांव के कुल लोग आते हैं। अच्छा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? छह में। कितनी तोड़ी जाती हैं? सात तोड़ी जाती हैं। गोदन बाबा के लिए। अच्छा तुम्हें तो बहुत कुछ पता है यार। हैं? किसने बताया? मम्मी ने। ठीक है तो 14 सीके जो है चाहिए होंगी, तो गोलू तोड़ने में लगा हुआ है और हम ब्लॉग बनाने में लगे हुए हैं। सो अभी तक किसको नहीं पता था कि इतने सीके तोड़ी जाती है, ये कमेंट करके मुझे बताना ठीक है, अगर आप मेरा ब्लॉग देख रहे हो तो। भाई यहाँ पर शहरों में ये क्या है, यही सीके हम खरीदते हैं और गांव में जो है ये सीके जो हैं हमको मिल जाती है बड़ी आसानी से, जिसको पता है वो तोड़ लेता है, जैसे मुझे नहीं पता था तो गोलू का सहारा लेना पड़ा हमको। तो गोलू बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। सो ये देखो गोलू का घर है इधर, और ये गोलू इसको बांध देते गोलू गोलू कुछ है तो इसको बांधो पहले, इसको ये खुला हुआ है ना। ये देखो गोलू ने तुरंत इंतजाम भी कर दिया। सो भाई अब चला जाए गोलू, बाय।